ये हमारे पास इन्फिनिक्स है, ठीक है, X682C, ठीक है ना। इसके अंदर मसला ये है, इसको ऑन कर रहे हैं तो ये जो है वो डी एम वेराइटी का जो है वो उसको एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एरर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। किस तरह ये आप फिक्स होगा ये मैं आपको टोटल गाइड करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा तो सबसे पहले अभी क्या करना है, हमने पीस को ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा तो ऑटोमेटिक भी ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, केबल लगानी है किसी भी टूल से, किसी भी डिवाइस से। आप जो है इसका बूट लोडर जिससे भी आप अनलॉक कर लें, UMT होगा, UMT से हमारे पास अनलॉक टूल होता है, हम अनलॉक टूल से करें, ठीक है। तो ये परमानेंट अनलॉक करेंगे हम इसको, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन में प्रेस करके रखना है इसका और इसके अंदर केबल लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही ऑफ होगा उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है तो ये इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जितने भी फ़ोन हैं इन्फिनिक्स के, जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर ये मसला आया इन्फिनिक्स से टेक्नो में, वो सारे जो है उसी तरह जो है वो हल होते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, इसका बूट लोडर जो है वो अनलॉक कर देना है, ठीक है। तो ये जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन्होंने मैं इसने 2 से 3 मिनट लिए, ठीक है। तो हम जो है आगे बढ़ाएंगे इसको। अगर आपका पीस जो है वो इस हालत में आया हुआ है, ठीक है, और आप उसका बूट लोडर अनलॉक करते हो तो इस समय आपका डेटा जाता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डेटा उसके अंदर हो तो इतना कोई इशू नहीं है, डेटा कहीं उड़ेगा नहीं इसका, ठीक है। तो आप बूट लोडर अनलॉक करोगे तो आगे बढ़ जाएगा और मोबाइल आपका एज इट इज़ ऑन हो जाएगा। हमने इसको रीसेट कर दिया था इसलिए जो इसका जो डेटा जो है वो लॉस हो गया है, ठीक है। और 10 है,